टीबी उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। भोपाल के टीबी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने वयस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी के मौजूदगी में भोपाल के टीबी हॉस्पिटल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए व्यस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। टीबी को दुनिया से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक का है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष से 2025 का लक्ष्य तय किया कि हम 2025 तक भारत से टीबी को खत्म कर देंगे, टीबी मुक्त भारत बना देंगे। उस दिशा में आज बीसीजी टीकाकरण भी प्रारंभ हुआ है। जो वयस्क है, 18 साल से अधिक की उम्र के लोग हैं, उसमें 6 श्रेणी बताई गई हैं। जो टीबी पेशेंट हैं, उनके परिवार के जन हैं, उनके संपर्क के लोग हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, धूम्रपान के आदि हैं, ऐसे लोगों को ये रक्षा के लिए वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस दिशा में इस रोग को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी आज ये 26 जिलों में एक साथ प्रारंभ हुआ है। हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम को बहुत बहुत साधुवाद। प्रदेश को टीबी मुक्त करने के लिए एक ये कदम उठाया जा रहा है, जिसमें आईसीएमआर के निर्देश अनुसार प्रदेश के 26 जिलों में अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। ये चिन्हित हाई रिस्क कैटेगरी के लोग जो है, जो डायबिटिक हैं, जो स्मोक करते हैं, जिनका पहले टीबी का कोई हिस्ट्री है, इस टाइप के श्रेणी बना के इन लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। वैक्सीनेशन पूर्णतः निःशुल्क है, हमारे स्वास्थ्य के कार्यकर्ता जो है वो देंगे। और कोविड पोर्टल की तरह ही टीबी विन एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें इन सबका इंद्राज किया जा रहा है और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।